सदियों से इल्लुमिनाटी ने षड्यंत्र के सिद्धांतकारों और इतिहास के प्रति उत्साही लोगों की कल्पनाओं को समान रूप से मोहित किया है। गोपनीयता में डूबा हुआ यह गूढ़ संगठन अनगिनत मिथकों और किंवदंतियों के केंद्र में रहा है। इसकी उत्पत्ति रहस्य में डूबी हुई है। इसके उद्देश्यों पर विद्वानों द्वारा बहस की जाती है। इल्लुमिनाटी अंतहीन आकर्षण का विषय बना हुआ है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक इल्लुमिनाटी वास्तव में क्या है? एक ऐसा गुप्त संगठन जिसका नाम सुनते ही साजिशों और रहस्य की दुनिया हमारे सामने उभरती है। इल्लुमिनाटी की स्थापना 1776 में बवेरिया में एडम वाइशॉप्ट द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य ज्ञान, तर्क और स्वतंत्रता के माध्यम से समाज को सुधारना था। लेकिन समय के साथ इसके उद्देश्यों और कार्यों को लेकर कई विवाद और षड्यंत्र के सिद्धांत उभरने लगे। क्या ये संगठन वास्तव में आज भी सक्रिय है? क्या ये दुनिया को अपने इशारों पर नचाता है? और क्या वाकई यह मानवता के लिए एक बड़ा खतरा है? आज हम इस वीडियो में इल्लुमिनाटी के उन गहरे रहस्यों से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो सदियों से छिपे हुए हैं। इसके इतिहास से लेकर इसके संकेतों और काम करने के तरीकों तक हम जानेंगे कि यह गुप्त संगठन कैसे लोगों को अपने जाल में फंसाता है और इसके पीछे छिपा सबसे बड़ा खतरा क्या है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह सफर आपको ले जाएगा एक ऐसी दुनिया में जहां सच और झूठ की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। इल्लुमिनाटी की कहानी 1776 में प्रबुद्धता के युग के बीच से शुरू होती है। एडम वीसहाउप्ट ने इल्लुमिनाटी के आदेश की स्थापना की। धर्म के व्यापक प्रभाव और स्वतंत्र विचार के दमन से मोहभंग होकर मैंने प्रबुद्ध व्यक्तियों का एक ऐसा समाज बनाने की कोशिश की। संगठन का नाम इल्लुमिनाटी प्रबुद्ध के लिए लैटिन शब्द से लिया गया है। वीसहाउप्ट ने एक ऐसे समाज की कल्पना की जहां अंधविश्वास का स्थान ज्ञान ले। प्रबुद्धता और सुधार के इल्लुमिनाटी के संदेश ने पूरे यूरोप के बुद्धिजीवियों को प्रभावित किया। आदेश ने शिक्षा, साहित्य और राजनीति से प्रमुख आंकड़ों को आकर्षित किया। इसके रैंक तर्क की शक्ति और सामाजिक परिवर्तन में विश्वास करने वालों से भर गए। जैसे जैसे इल्लुमिनाटी का प्रभाव बढ़ता गया, संदेह भी बढ़ता गया। सरकारें और धार्मिक संस्थान इसे संदेह की दृष्टि से देखने लगे। 1785 में बवेरियन सरकार कैथोलिक चर्च के दबाव में इल्लुमिनाटी को दबाने के लिए आगे बढ़ी। राजद्रोह और साजिश का आरोप लगाते हुए आदेश को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और उसके सदस्यों को सताया गया। वीसहाउप्ट को बवेरिया भागने के लिए मजबूर होना पड़ा और इल्लुमिनाटी, कम से कम अपने मूल रूप में, का अस्तित्व समाप्त हो गया। सरकार की कार्रवाई तेज और क्रूर थी। संगठन को प्रभावी ढंग से ध्वस्त कर दिया। एक पौराणिक प्रतीक में बदल देती है। इल्लुमिनाटी जटिल घटनाओं की व्याख्या करने या स्थापित व्यवस्था को चुनौती देने के इच्छुक लोगों के लिए एक सुविधाजनक बलि का बकरा बन गया। खंड 5, मिथक कायम है, विश्व प्रभुत्व की फुसफुसाहट। इल्लुमिनाटी ने लोकप्रिय कल्पना पर एक अमिट छाप छोड़ी है। इल्लुमिनाटी साजिश के सिद्धांतों का पर्याय बन गया है। इल्लुमिनाटी ने लोकप्रिय संस्कृति में अपना जीवन खुद ही ले लिया है। साजिश के सिद्धांतकारों का मानना है कि इल्लुमिनाटी गुप्त रूप से काम करना जारी रखता है। उनका दावा है कि इल्लुमिनाटी का अंतिम लक्ष्य विश्व प्रभुत्व है। खंड 6, तार खींचना, वैश्विक राजनीति में इल्लुमिनाटी। इल्लुमिनाटी के बारे में सबसे स्थायी मान्यताओं में से एक वैश्विक राजनीति में इसका कथित प्रभाव है। क्रांति, युद्ध और हत्याओं जैसी प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं को इल्लुमिनाटी के छिपे हुए हाथ के प्रमाण के रूप में साजिश के सिद्धांतकार अक्सर इंगित करते हैं। उनका तर्क है कि इल्लुमिनाटी राष्ट्रों को अस्थिर करने, संसाधनों को नियंत्रित करने और एक नई विश्व व्यवस्था के अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इन घटनाओं का आयोजन करता है। इन सिद्धांतों के अनुसार इल्लुमिनाटी संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और G20 जैसे शक्तिशाली संगठनों के माध्यम से
अपने वैश्वीकरण के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए उपकरणों के रूप में उपयोग करके अपना प्रभाव डालता है। उनका दावा है कि इल्लुमिनाटी का अंतिम लक्ष्य राष्ट्रीय संप्रभुता को मिटाना और कुछ चुनिंदा लोगों द्वारा नियंत्रित एक विश्व सरकार की स्थापना करना है। ये मान्यताएं अक्सर वैश्वीकरण, राष्ट्रीय पहचान के नुकसान और वैश्विक अभिजात वर्ग के हाथों में शक्ति की एकाग्रता के बारे में आशंकाओं को उजागर करती है। खंड 7, मीडिया हेरफेर आख्यान को नियंत्रित करना। सत्ता पर इल्लुमिनाटी की कथित पकड़ के केंद्र में मीडिया पर उसका नियंत्रण है। साजिश के सिद्धांतकारों का तर्क है कि इल्लुमिनाटी प्रमुख मीडिया आउटलेट का मालिक है और उन्हें नियंत्रित करता है। उनका उपयोग जनता की राय बनाने, प्रचार प्रसार करने और असंतोष को दबाने के लिए करता है। उनका दावा है कि जो खबरें हम उपभोग करते हैं, जो फिल्में हम देखते हैं और जो संगीत हम सुनते हैं, वे सभी हमारे विचारों और विश्वासों में हेर फेर करने के लिए सावधानी पूर्वक तैयार किए गए हैं। इन सिद्धांतों के अनुसार इल्लुमिनाटी हमारे अवचेतन मन को प्रभावित करने के लिए अचेतन संदेशों, प्रतीकवाद और सावधानी पूर्वक निर्मित आख्यानों का उपयोग करता है। उनका दावा है कि इल्लुमिनाटी का लक्ष्य एक विनम्र और आज्ञाकारी आबादी बनाना है, जिसे आसानी से हेरफेर और नियंत्रित किया जा सके। ये मान्यताएं अक्सर मुख्य धारा के मीडिया के अविश्वास और इस विश्वास से उपजती हैं कि शक्तिशाली ताकतें सूचना के प्रवाह को नियंत्रित करने का काम कर रही हैं। खंड 8, प्रभाव की शक्ति, प्रचार और मन नियंत्रण। पारंपरिक मीडिया पर अपने कथित नियंत्रण से परे इल्लुमिनाटी पर मन पर नियंत्रण के अधिक कपटपूर्ण तरीकों का उपयोग करने का भी आरोप है, जैसे प्रचार और मनोवैज्ञानिक हेरफेर। साजिश के सिद्धांतकारों का तर्क है कि इल्लुमिनाटी इन तकनीकों का उपयोग हमारी धारणाओं, विश्वासों और व्यवहारों को आकार देने के लिए करता है, अंततः हमारे विचारों और कार्यों को नियंत्रित करता है। वे विज्ञापन, जनसंपर्क अभियानों और यहाँ तक कि शैक्षिक पाठ्यक्रम की ओर इशारा करते हैं कि कैसे इल्लुमिनाटी सूक्ष्म रूप से हमारे दिमाग को प्रभावित करता है। उनका तर्क है कि इल्लुमिनाटी इन तरीकों का उपयोग उपभोक्तावाद, अधिकार के प्रति आज्ञाकारिता और अपने एजेंडे को स्वीकार करने के लिए करता है। ये मान्यताएं अक्सर हेरफेर के गहरे बैठे डर और इस विश्वास को दर्शाती हैं कि शक्तिशाली ताकतें हमारे विचारों और व्यवहारों को नियंत्रित करने का काम कर रही हैं। खंड 9, निष्कर्ष, इल्लुमिनाटी की स्थायी छाया। इल्लुमिनाटी चाहे एक ऐतिहासिक अवशेष हो या आधुनिक समय का बूगी मैन, हमारी सामूहिक चेतना पर एक लंबी छाया डालना जारी रखता है। जबकि एक शक्तिशाली विश्व प्रधान संगठन के रूप में इसका अस्तित्व अटकलों के दायरे में मजबूती से बना हुआ है, इल्लुमिनाटी को लेकर मिथक और किंवदंतियां, गोपनीयता, शक्ति और अज्ञात के साथ हमारे स्थायी आकर्षण की बात करते हैं। इल्लुमिनाटी षड्यंत्र के और सूचना और गलत सूचना से भरी दुनिया में सतर्कता की आवश्यकता के प्रतीक के रूप में कार्य करता है। पॉज टू इज इल्लुमिनाटी के रहस्यमय चिन्ह, सर्वदर्शी आंख, अक्सर एक त्रिकोण में कैद एक आंख के रूप में दिखाई जाती है। ये सर्वदर्शी आंख इल्लुमिनाटी के सबसे पहचाने जाने वाले चिन्हों में से एक है। कहा जाता है कि ये इंसानियत पर उनकी निगरानी और नियंत्रण का प्रतीक है, जो सब कुछ और सभी को देखती रहती है। आंख वाला पिरामिड एक और अक्सर देखा जाने वाला चिन्ह है, आंख वाला पिरामिड। ये चिन्ह अमेरिकी डॉलर के बिल Thank you.
राजनेताओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ हाथ के इशारे भी इस गुप्त समाज के प्रति निष्ठा का संकेत माने जाते हैं। मीडिया में छिपे हुए संदेश, इल्लुमिनाती के प्रभाव के आरोप अक्सर मीडिया के दायरे तक फैले हुए हैं। संगीत वीडियो और फिल्मों से लेकर विज्ञापनों तक, कई लोग मानते हैं कि सार्वजनिक धारणा को प्रभावित और नियंत्रित करने के लिए छिपे हुए संदेश और चिह्न रणनीतिक रूप से रखे जाते हैं। ये माने जाने वाले संकेत इल्लुमिनाती की गूढ़ उपस्थिति के बारे में हमारे मन में बसे हुए आकर्षण और डर की याद दिलाते हैं। हिडन रे थ्रीरीज। जैसे जैसे हम इन चिह्नों और संकेतों में गहराई से उतरते हैं, यह स्पष्ट हो जाता है कि इल्लुमिनाती का आकर्षण केवल उनकी कथित शक्ति में ही नहीं है, बल्कि उस रहस्य और साजिश में भी है जो हमारी कल्पनाओं को बंदी बनाए रखता है। पॉज टूअर्स। इंटरनेट के जमाने में इल्लुमिनाटी का राज, सोशल मीडिया के बढ़ते चलन के साथ इल्लुमिनाटी के बारे में साजिशी कहानियां तेजी से फैल रही हैं। YouTube, Reddit और Twitter जैसे प्लेटफॉर्म इन कहानियों के लिए जमीन बन गए हैं। मिनटों में ही कोई भी बात दुनिया भर में पहुंच सकती है। जानकारी की आसानी और इंटरनेट की गुमनामी से बिना जांच पड़ताल वाली बातें और सनसनीखेज कहानियां फलती फूलती हैं। एक उलझे हुए संसार में नियंत्रण और समझ का एहसास देती हैं। दुनिया में होने वाली बड़ी बड़ी घटनाओं को एक गुप्त संगठन की कारगुजारियों से जोड़कर लोगों को थोड़ा सुकून मिलता है। साथ ही ऐसी बातों पर यकीन करने से लोगों को एक जुड़ाव और समुदाय का एहसास होता है। जो लोग इल्लुमिनाटी की साजिशों को मानते हैं, वे अक्सर ऐसे ही सोच वाले लोगों के बीच अपनापन और दोस्ती पाते हैं। इससे एक साझी पहचान और मकसद बनता है। छुपे हुए सच को उजागर करने और जागरूक समूह का हिस्सा बनने का आकर्षण एक मजबूत मानसिक इनाम देता है। तो असल में इल्लुमिनाटी की साजिशों का फैलना और उन पर यकीन सिर्फ कहानियों की वजह से नहीं है, बल्कि इंसानी चाहत की वजह से भी है। हम सब जुड़ाव, समझ और नियंत्रण चाहते हैं। पॉज 3S। डिजिटल युग में हमें जानकारी के स्रोतों पर सवाल उठाना और अपनी मान्यताओं के पीछे के मनोवैज्ञानिक कारणों को समझना बेहद जरूरी है। तभी हम इल्लुमिनाटी की रहस्यमयी दुनिया में तथ्य और झूठ के बीच फर्क कर पाएंगे। इल्लुमिनाटी के खतरनाक इरादे। आजादी का खतरा। इल्लुमिनाटी की नई विश्व व्यवस्था की योजनाओं से पैदा होने वाले खतरों पर चर्चा करते हैं, जैसे कि हमारी निजता, आजादी और खुद की पहचान खोना, दुनिया पर कब्जा और छल। इस डर की जांच करते हैं कि इल्लुमिनाटी का प्रभाव एक ऐसी भयानक दुनिया बना सकता है जहां कुछ खास लोग ही जिंदगी के हर पहलू को कंट्रोल करते हैं। इताबायतनेई। समाज पर असर। इन साजिशी सोच के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक असर पर रोशनी डालते हैं, जैसे कि गलत जानकारी फैलना, डर और अविश्वास का माहौल बनना।
चलिए इल्यूमिनाटी के खतरों के बारे में गहराई से बात करते हुए इस सिक्के के दूसरे पहलू को भी समझना जरूरी है। इस हिस्से में हम इस गुप्त समूह के बारे में फैली अफवाहों को दूर करेंगे। पहले तो चलो सबूतों की कमी पर गौर करते हैं। जो लोग शक करते हैं उनका कहना है कि किसी भी ग्लोबल इल्यूमिनाटी साजिश के होने का कोई ठोस सबूत नहीं है। वो बताते हैं कि ज्यादातर दावे सिर्फ सुनी सुनाई बातों, अटकलों और ऐतिहासिक हद तक सनसनीखेज कहानियां और पॉपुलर कल्चर हैं। आखिर में आइए हम सब मिलकर सोच समझकर फैसले लें। ऐसे समय में जहां जानकारी तो आसानी से मिल जाती है लेकिन भरोसेमंद नहीं होती, वहां साजिश के सिद्धांतों के स्रोतों पर सवाल उठाना बहुत जरूरी है। हमेशा भरोसेमंद सबूत ढूंढो, तथ्यों की जांच पड़ताल करो और उन कहानियों से सावधान रहो जो बिना किसी ठोस सबूत के बहुत ही अजीब लगती हैं। इन उसूलों को अपनाकर हम जानकारी और गलत जानकारी के जटिल जाल को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और तथ्यों को झूठ से अलग कर सकते हैं। अगले हिस्से में हमारे साथ जुड़िए जहां हम इल्यूमिनाटी की रहस्यमयी दुनिया के बारे में और भी बातें करेंगे। आज के जमाने में इल्यूमिनाटी सिर्फ एक साजिश नहीं रही बल्कि एक कल्चर का हिस्सा बन गई है। म्यूजिक, मूवीज, किताबें, आर्ट, हर जगह इसका असर दिखता है। कट टू अ मोंटाज ऑफ फेमस म्यूजिक वीडियोस, मूवी क्लिप्स एंड बुक कवर्स दैट रेफरेंस द इल्यूमिनाटी। म्यूजिक इंडस्ट्री में तो इल्यूमिनाटी का जिक्र खूब होता है। जेजी, बियॉन्से, कान्ये वेस्ट जैसे आर्टिस्ट के बारे में अफवाहें हैं कि वो इसके मेंबर्स हैं। जाता है जो सब कुछ पर्दे के पीछे से कंट्रोल करते हैं। कट टू क्लिप्स फ्रॉम नेशनल ट्रेजर एंड एंजल्स एंड डीमंस। किताबों और आर्ट की दुनिया भी इल्यूमिनाटी के आकर्षण से नहीं बची है। डैन ब्राउन की द डाविंची कोड जैसी किताबें और ग्राफिक नॉवेल्स अक्सर सीक्रेट सोसाइटीज और छिपे हुए ज्ञान की बातें करती हैं। कट टू बुक कवर्स एंड ग्राफिक नॉवेल इलस्ट्रेशंस। लेकिन इल्यूमिनाटी हमारी सोच पर इतना गहरा असर क्यों करती है? शायद इसलिए क्योंकि इसके आसपास इतना रहस्य और गोपनीयता है। आज के इस दौर में जहां इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल जाती है, दुनिया को कंट्रोल करने वाली एक छिपी हुई संस्था का ख्याल हमारे डर और जिज्ञासा को छूता है। कट टू इंटरव्यूज विद कल्चरल एनालिस्ट्स एंड एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट वन, इल्यूमिनाटी एक मॉडर्न मिथ की तरह है। लोग इसके असर को समझना जरूरी है।
cut to a reflective montage of cultural references to the Illuminati. अगले हिस्से में हम उन लोगों की निजी कहानियां सुनेंगे जो Illuminati में यकीन रखने से प्रभावित हुए हैं या जिन्होंने इस पर रिसर्च करने में अपनी जिंदगी लगा दी है. Fade to black with suspenseful music. Fade to black with. इस वीडियो में हमने Illuminati की रहस्यमयी दुनिया में कदम रखा, उसकी शुरुआत, उसके असर और उससे जुड़ी साजिशों के बारे में जाना. हमने Illuminati से जुड़े चिन्हों और संकेतों को भी देखा, साथ ही दुनिया की राजनीति और संस्कृति पर उसका क्या असर रहा ये भी समझने की कोशिश की. पिछले दृश्यों के मुख्य अंशों का एक मोंटाज दिखाएं जिनमें चर्चा किए गए विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है. Illuminati का रहस्यमयी आकर्षण कई लोगों की कल्पना पर छाया हुआ है. इसकी वजह से अनगिनत कहानियां, मिथक और सांस्कृतिक संदर्भ बने हैं. सत्ता के गलियारों से लेकर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तक Illuminati का साया हर जगह है, जो लोगों को रोमांचित भी करता है और डराता भी है. प्रभावशाली व्यक्तियों, प्रतीकों और सांस्कृतिक कलाकृतियों की स्लो मोशन क्लिप दिखाएं. आधुनिक समाज में Illuminati के महत्व को समझने के लिए उसका इतिहास और उसके प्रतीकों को समझना बेहद जरूरी है. आप इस गुप्त समाज के अस्तित्व पर विश्वास करें या न करें, हमारे सामूहिक मन पर इसका असर तो है ही, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता. सांस्कृतिक विश्लेषकों और विशेषज्ञों के इंटरव्यू दिखाएं जो Illuminati के महत्व पर विचार कर रहे हैं. विशेषज्ञ 1, Illuminati अराजकता में व्यवस्था खोजने की हमारी जरूरत को दर्शाता है. ये विश्वास कि कुछ ताकतें हमारी दुनिया को चला रही हैं, भले ही वे हमारी नजरों से ओझल हों. विशेषज्ञ 2, कई मायनों में Illuminati उन अनदेखी ताकतों का प्रतीक बन गया है जो लोग महसूस करते हैं कि उनके जीवन को नियंत्रित करती है. ये एक आधुनिक मिथक है जो हमारी दुनिया की पेचीदगियों को समझाने में मदद करता है. सोचते हुए लोगों, स्क्रीन देखते हुए, किताबें पढ़ते हुए लोगों के चिंतनशील शॉट दिखाएं. हम आपको प्रस्तुत जानकारी पर विचार करने और इस दिलचस्प विषय को खुले दिमाग से खोजते रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं. Illuminati की दुनिया का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है और अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है. कॉल टू एक्शन स्क्रीन पर फीका पड़े. अगर आपको यह वीडियो सोचने पर मजबूर करता है तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. देखने के लिए धन्यवाद. एम्बियंट रिफ्लेक्टिव म्यूजिक के साथ ब्लैक पर फीका पड़े.